वही एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर 24 साल के युवक की हत्या हुई है। पत्थर से सिर कुचल कर यह हत्या की गई है। तो पुलिस ने तीन आरोपियों को हत्या की रंजिश के चलते जो है अभी फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने तीन आरोपियों की युवक की हत्या की गई है। 24 साल का ये युवक बताया जा रहा है और हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पत्थर मारकर सिर को कुचला गया है। आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं। तो पत्थरों से सिर पर वार किया गया और कुचलकर 24 साल की युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजवीर सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफी चाहेंगे, हमारे संवाददाता राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए प्रीति, जो है साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके की है और एक बड़ी कामयाबी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को मिल भी गई इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस युवक की हत्या करी गई थी उसके बाद जो तीन लोगों की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, जिसमें कि दो जो है नाबालिग हैं और साथ ही साथ एक जो है बालिग है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपसी झगड़ा हुआ था इन दोनों लोगों का, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो 24 साल के युवक गुलशन की हत्या करी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर से महज कुछ ही दूरी पर युवक की जो ईंट और पत्थरों से मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनकी शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जो आरोपी हैं, तीनों आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि जो भी ये अपराधी थे तीनों, इनके पास पुलिस का खौफ नहीं था। और बाकायदा जिस तरीके से इन्होंने एक प्लानिंग के तहत पहले युवक को घर से बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या करी, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं था। और लगातार इस तरीके की वारदात सामने आती रहती, लेकिन क्योंकि जरा सी बात को लेकर यहाँ पर उसकी हत्या करी गई, तो दिल्ली पुलिस ने हालांकि जो केस है उसको वर्कआउट कर लिया, जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। प्रीति जी, राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया।